हेलो एवरीवन मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोन साई एंड गार्डनिंग जोन और आज के इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा की पत्ती से एलोवेरा का पौधा उगाने का बेहद आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे एलोवेरा की पत्तियों को मोटा और ज्यादा जल वाला किया जाता है कैसे इसके पौधे को तेजी से घना और मल्टीप्लाई किया जाता है आप क्या गलतियां करते हैं जिससे आपका एलोवेरा प्लांट बहुत स्लो बढ़ता है गलने सड़ने या काला पड़ने लगता है एलोवेरा के लिए कैसे मिट्टी बनाई जाती है किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है नया पौधा बनाने से लेकर तीन फीट की जबरदस्त ग्रोथ तक पूरे दो साल के अपडेट्स के साथ वीडियो के आखिर में मैं आपको एलोवेरा जेल और सोप बेस से 100 परसेंट नेचुरल एलोवेरा सोप बनाने का तरीका बताऊंगा और टेस्टी हेल्दी एलोवेरा जूस भी बनाना सिखाऊंगा कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह का एलोवेरा ग्रो करने के लिए किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है चाहे स्किन केयर के लिए बेहद फायदेमंद एलोवेरा जेल हो या सेहत से भरपूर एलोवेरा जूस इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है और इसीलिए आजकल सभी अपने घर पर इस मेडिसिनल प्लांट को उगाना चाहते हैं पर इसे उगाने का सही तरीका मालूम ना हो तो यह बहुत स्लो ग्रो करता है या पतली और छोटी पत्तियां देता है और अक्सर ये गलकर खराब भी हो जाता है पर इसे हेल्दी और घना बनाना बहुत ही आसान है एलोवेरा का पौधा जड़ों के आसपास से नए पौधे बनाकर मल्टीप्लाई होता जाता है इन नए पौधों को पप कहते हैं इसमें से एक छोटे पौधे को निकालकर दूसरे पॉट में लगा दीजिए और एलोवेरा का एक नया पौधा तैयार हो जाएगा एलोवेरा उगाने का ये सबसे आसान तरीका है पर आज मैं आपको पत्ती से एलोवेरा उगाने का एक अनोखा तरीका बताने वाला हूँ इसके लिए एलोवेरा की एक मीडियम साइज की पत्ती लेना है ज्यादा मोटी या ज्यादा पतली लीफ नहीं लेना है पत्ती को बीच में से नहीं काटना है वरना इससे नया पौधा नहीं निकलेगा अक्सर लोग यही गलती करते हैं इसलिए पत्ती से एलोवेरा का पौधा नहीं उग पाता नीचे के साइड से हेल्दी पत्ती लीजिए, इसमें एकदम आखिर में इस तरह से एक हल्का सा कट लगाइए इसे इस तरह से खींच लीजिए पत्ती अलग हो जाएगी अब अगर मैं इसे ऐसे ही मिट्टी में लगा दूं तो यह पत्ती नीचे से गल जाएगी इसलिए कट वाली जगह को पूरी तरह से सूखने देने के लिए इसे दो दिन तक शेड में रखकर छोड़ रहा हूं दो दिनों बाद कट वाला हिस्सा पूरी तरह से सूख कर सील हो गया है अब ये मिट्टी में लगाए जाने के लिए तैयार है इसे लगाने के लिए गार्डन की मिट्टी और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिला लीजिए ड्रेनेज होल्स वाले इस पॉट में मैंने मिट्टी को भर लिया है अब इसे एक डेढ़ इंच गहरा लगा दीजिए अब इसमें पानी दीजिए इसके बाद अगली बार इसमें पानी तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे नहीं तो ज्यादा पानी देने से पत्ती नीचे से सड़ने लगेगी पौधा निकलने तक इसे शेड में रखना है 20 दिन बाद पत्ती के पास से एक छोटा सा शूट निकलता हुआ दिख रहा है यानी हमारा प्रोपोगेशन सक्सेसफुल हो गया है छत्तीस दिनों बाद आप देख सकते हैं एलोवेरा का एक पप निकल आया है शुरुआत में इसकी ग्रोथ स्लो रहती है गमले में उगी हुई वीड्स को निकालने अब मैं इस पौधे को मिट्टी से बाहर निकालकर आपको इसकी रूट ग्रोथ दिखाऊंगा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसे बाहर निकाल रहा हूं आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इसकी नाजुक रूट डैमेज हो सकती है आप देख सकते हैं ये पप पत्ती के नीचे की तरफ से निकलकर आया है इसीलिए हमने पत्ती को बीच में से काट कर नहीं उगाया था इसे दोबारा कंटेनर में लगा देते हैं कुछ दिनों तक इसे इसी कंटेनर में बढ़ने दूंगा अब आपको इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां सुबह की चार पांच घंटे की धूप आती हो पचास दिनों में पौधा थोड़ा और बड़ा हो गया है पौधा लगाए आज अस्सी दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त ग्रोथ इसकी हो रही है जिस पत्ती से हमने इसे उगाया था वो सूख गई है और इसमें ढेर सारी नई पत्तियां भी आ गई हैं इसकी ग्रोथ बूस्ट करने के लिए अब मैं इसे बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर लूंगा एलोवेरा एक कैक्टस नुआ पौधा होता है इसलिए यह कंकर पत्थर वाली रेतीली मिट्टी में ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है इसे ऐसी मिट्टी पसंद होती है जिसमें पानी जरा भी ना रुके अगर आप इसे चिकनी और क्लेई मिट्टी में लगाएंगे तो थोड़े दिनों बाद मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी और मिट्टी में ज्यादा पानी और नमी के कारण जड़ें गल जाएंगी और पौधा खराब हो सकता है एलोवेरा की बेस्ट स्पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में मिट्टी वर्मी कंपोस्ट और रेत इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए एलोवेरा का पौधा आप ग्रो बैग में मिट्टी में सीमेंट या प्लास्टिक के गमले में भी उगा सकते हैं मोटी और बड़ी पत्तियों वाला एलोवेरा उगाने के लिए इसे बड़े गमले में लगाइए कम से कम 12 इंच या उससे बड़े पॉट में इसे उगाना चाहिए क्योंकि ये रूट डिवीजन से मल्टीप्लाई होता जाता है और गमले की पूरी सरफेस को कवर कर लेता है इसे ज्यादा गहरे गमले की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसकी जड़ें गहरी नहीं जाती हैं। पौधे को गमले से सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं जिससे रूट डैमेज ना हो मैंने एक पंद्रह लीटर की ऑयल कैन को काट इसके नीचे ढेर सारे ड्रेनेज होल्स बना लिए हैं ड्रेनेज होल्स पर नारियल का छिलका या कोको कोयर रखिए इससे पानी के साथ मिट्टी नहीं बहेगी और ड्रेनेज अच्छा बना रहेगा अब इस पर बारीक कंकरों की लेयर डालिए मिट्टी को भरकर पौधे को लगा लेते हैं इसमें अच्छी तरह से पानी देकर इसे ऐसी जगह रखें जहां इस पर दिन के ज्यादा से ज्यादा समय धूप आए क्योंकि यह कैक्टक्स नुमा पौधा होता है और इसे अच्छी ग्रोथ के लिए फुल सनलाइट की जरूरत होती है नौ महीने में एलोवेरा की बढ़िया ग्रोथ हुई है आप देख सकते हैं आसपास से कितने सारे नए शूट्स निकल आए हैं और पूरे कंटेनर को कवर कर लिया है ये हमारा मेन पौधा है और आप देख सकते हैं इसका तना कितना मोटा हो चुका है ये इतना ओवरग्रो हो गया है कि ब्रांचेस लंबी होकर गमले से बाहर निकलकर उगने लगी है लेकिन पत्तियां अभी ज्यादा मोटी नहीं हो रही हैं इसलिए पत्तियों में कम जेल बन रहा है पत्तियों का साइज मोटा करने के लिए अब मैं इसे फर्टिलाइज करूंगा अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट को बराबर क्वांटिटी में मिला लेते हैं मिट्टी खोदकर थोड़ा लूज कर लीजिए अब दो तीन मुट्ठी खाद इसमें इवनली डालिए एलोवेरा को बहुत कम खाद की जरूरत होती है इस तरह से इसे चार महीने में सिर्फ एक बार खाद देने की जरूरत है यानी इसे साल में सिर्फ तीन बार ही खाद देना है एक साल बाद एलोवेरा का पौधा इतना घना और बड़ा हो गया है कि इसके लिए कंटेनर छोटा पड़ रहा है और बड़ी बड़ी पत्तियां भी इसमें निकल आई हैं। दोस्तों ये है फाइनली दो साल बाद का रिजल्ट एलोवेरा मल्टीप्लाई होते होते इतना बढ़ चुका है कि इस कंटेनर में जरा भी जगह नहीं बची है इसकी पत्तियां इतनी बड़ी और मोटी आने लगी है और पौधा इतना भारी हो गया है कि पत्तियों के वजन से कंटेनर एक तरफ झुक चुका है जब इसे कंटेनर के अंदर बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी तो यह लंबी ब्रांचेस ग्रो करेगा और एक तरफ को झुकने लग जाएगा, जिससे आपका गमला वजन के कारण एक साइड गिर सकता है जितना मोटा तना होगा उतनी बड़ी और मोटी जेल से भरी हुई पत्तियां पौधा प्रोड्यूस करेगा इस कंटेनर के हिसाब से पौधा ओवरग्रो हो चुका है इसलिए अब मैं इसे और भी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट करूंगा एलोवेरा को हर एक डेढ़ साल में बड़े गमले में रिपोर्ट करने से इसकी ग्रोथ तेज होती है और पत्तियां भी मोटी ज्यादा गूदे वाली आती है एलोवेरा में सर्दियों में फ्लावरिंग होती है एलोवेरा के फूल में भी काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एंटीसेप्टिक एंटीफंगल और एंटी प्रॉपर्टीज होती है फूलों को मसलकर अगर आप घावों पर और घाव के निशान पर यानी स्कार्स पर लगाएं तो पुराने से पुराने स्कार्स और स्ट्रेच मार्क्स के निशान इससे हल्के होने लगेंगे इन फूलों को आप नारियल के तेल में उबालकर स्टोर करके रख सकते हैं इस तेल को बालों में लगाने से हेयर फॉल और डेंड की प्रॉब्लम कम होती है इस तरह के फूलों को हमिंग बर्ड्स पॉलिनेट करते हैं पॉलीनेटेड फूलों में बीज भी बनते हैं इसमें कुछ सीड पॉड्स बने थे जो फ्लावरिंग के 30 दिनों बाद सूखकर खुलने लगे हैं और इसमें बीज बन चुके हैं इन सीड्स को कोकोपीट में लगा दीजिए एक महीने बाद आप देखेंगे कि एलोवेरा के छोटे छोटे पौधे बीजों से निकल आएंगे एलोवेरा की खासियत यह है कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि इसकी कोई स्पेशल केयर करे एलोवेरा बेहद हार्डी पौधा होता है ये ड्रॉट टॉलरेंट होता है इसलिए इसे खाद पानी की बहुत ही कम जरूरत होती है सर्दियों के दिनों में इसमें दस दिन में एक बार पानी दें और गर्मियों में दो तीन दिन में एक बार पानी दें याद रहे एलोवेरा में पानी तभी देना है जब छूने पर आपको ऊपर की एक डेढ़ इंच मिट्टी सूखी महसूस हो वैसे तो एलोवेरा में नॉर्मल पौधों में लगने वाली बीमारियां नहीं लगती हैं पर ज्यादातर घरों में एलोवेरा खराब होने की सिर्फ एक ही वजह होती है जो है ओवर वाटरिंग ओवर वाटरिंग के कारण इसकी जड़ें गलने लगती है और पौधा खराब हो जाता है एलोवेरा असल में एक कैक्टसनुमा पौधा होता है जो ड्रॉट टॉलरेंट है पर अक्सर लोग इस पौधे को बाकी पौधों के साथ रोज पानी देते हैं जिससे जड़ों में फंगस लगने के कारण जड़ें गल जाती है और पौधा सड़कर खराब हो जाता है रूट रॉट की शुरुआत दिखते ही पौधे को पुरानी मिट्टी से निकालकर सड़ी गली जड़ों को काट दीजिए और नई वेल ड्रेन मिट्टी में रिपोर्ट कर दीजिए दोस्तों बाजार में आपको कई ब्रांड्स के एलोवेरा जेल और प्रोडक्ट्स मिलेंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अमेरिकन लैब टेस्ट में पता चला कि 10 में से पांच एलोवेरा जेल प्रोडक्ट्स में एक्चुअली एलोवेरा का असली जेल या पल्प था ही नहीं क्योंकि नेचुरल एलोवेरा पल्प डालने से प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है तो आज मैं आपको बिना किसी केमिकल के सिर्फ एलोवेरा पल्प और ग्लिसरीन सोप बेस से हंड्रेड नेचुरल एलोवेरा सोप बनाने का तरीका बताने वाला हूं इसके लिए आपको तीन चीजें चाहिए चार चम्मच एलोवेरा पल्प दो नींबू और सौ ग्राम प्योर ग्लिसरीन से बना या गोट मिल्क से बना सोप बेस सोप बेस अगर आपको मार्केट में ना मिले तो एमेजन डॉट कॉम पर इस तरह का सोप बेस सौ रूपए के अंदर अंदर आसानी से मिल जाएगा एलोवेरा की पत्ती को नीचे से कट कर लीजिए इससे ये पीले कलर का लिक्विड निकलेगा तब तक इसे साइड में रख देते हैं पीला लिक्विड निकलने के बाद इसे काटकर पानी में दो मिनट के लिए छोड़ दीजिए शार्प चाकू से किनारों को काट लीजिए और छिलके को हटा दीजिए एलोवेरा पल्प के छोटे टुकड़े करके मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए अब नींबू के छिलके निकालिए नींबू के छिलके में स्किन को हेल्दी बनाने वाले नेचुरल ऑयल्स और एंजाइम्स होते हैं और इससे साबुन में सिट्रसी खुशबू भी आएगी छिलकों को कूट लीजिए और ब्लेंड किए हुए एलोवेरा के साथ मिला दीजिए और दोबारा ब्लेंड कीजिए अब इसे छान लीजिए सोप बेस के छोटे पीसेस कर लेते हैं एक पैन में पानी भरिए अब एक दूसरे बोल में सोप बेस को रखकर पैन में रखिए और पानी को उबालिए थोड़ी देर में सोप बेस मेल्ट हो जाएगा अब इसमें एलोवेरा और लेमन जेस्ट का मिक्सचर डालिए आप चाहें तो खुशबू के लिए इसमें कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हैं इसे ठंडा होने से पहले तुरंत ही एक छोटे प्लास्टिक बॉक्स में डाल दीजिए अब इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दीजिए। आधे घंटे बाद यह सेट हो गया है तो लीजिए ये तैयार हो गया हमारा 100% परसेंट नेचुरल एलोवेरा सोप इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है इसलिए ये स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा का जूस हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को तो बढ़ाता ही है साथ में डाइजेशन भी इंप्रूव करता है एंटी से भरपूर ये सुपर ड्रिंक डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में भी आराम दिलाता है चार चम्मच एलोवेरा का पल्प लीजिए इससे दो ग्लास एलोवेरा जूस बनेगा एक व्यक्ति को एक दिन में दो चम्मच से ज्यादा एलोवेरा पल्प कंज्यूम नहीं करना चाहिए पल्प को जार में डालकर थोड़ा पानी मिलाइए और ब्लेंड कर दीजिए अब इसमें आधे नींबू का रस डालिए इसे और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें दो चम्मच आंवले का जूस भी मिला सकते हैं अब इसमें डालेंगे दो चम्मच शहद इसमें डेढ़ ग्लास पानी मिलाकर एक बार और ब्लेंड कर देते हैं लीजिए तैयार हो गया है गुणकारी और सेहत से भरपूर एलोवेरा जूस ये वाकई में बहुत टेस्टी है और रोज सुबह इस तरह का एक ग्लास एलोवेरा जूस लेने से इम्यूनिटी बूस्ट होने के साथ साथ पेट की तकलीफों से भी छुटकारा मिलता है अपनी गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में मुझसे पर्सनली चैट करने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे रहा हूँ और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग